जहां पर डोईवाला में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने जनता की समस्याएं सुनी, जिसमें लगभग 150 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। कुछ शिकायतों को संबंधित विभाग के लिए आदेशित किया गया है। बता दें कि उत्तराखंड सरकार ने सभी कैबिनेट मंत्रियों को जिले का प्रभारी मंत्री भी बनाया है, यानी कि एक मंत्री को जिलों का प्रभार भी दिया है, जिसमें वो ब्लॉक और गांवों में पहुंचकर जनता की समस्याओं को सुनेंगे, उनका निस्तारण भी करेंगे। विधानसभा में एक तरफ आपदा, एक तरफ वन विभाग की वजह से जो जंगली जानवरों की तरफ से वजह से नुकसान हो रहा है, हर तरीके से त्राईमा में डोईवाला विधानसभा में मिला हो रहा है। और आज दुख की बात है कि आज जन सुनवाई हो रही है और राज नेशनल पार्क का कोई भी कर्मचारी अधिकारी यहां पर मौजूद नहीं है, और जब हमने उनकी बात उठाई तो वहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो खैर, मंत्री जी का धन्यवाद देना चाहूँगा मैं, उन्होंने डायरेक्टर साहब से बात करी और जल्द ही जो समस्या है उनका निदान करने की बात करी आज। और मैं माननीय मंत्री जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि हमारे जिले के प्रभारी मंत्री हैं और आज हमारी विधानसभा में वो जो प्रति माह एक एक विकास खंड में प्रभारी मंत्री जी प्रवास करेंगे और जनता की समस्याओं को सुनेंगे। आज मंत्री जी का कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी भ्रमण है और आज लगभग 150 किस विषय में काफ़ी लोगों ने यहाँ पर पत्र भी हमको दिया है, माननीय मंत्री जी को दिया है। और आज 150 के से ज़्यादा यहाँ पर शिकायतें आई हैं, जिनमें कार्रवाई कर रहे हैं। कई समस्याओं का तत्काल निराकरण करने हेतु संबंधित विभागों को निर्देशित कर दिया गया है और जो शासन स्तर के उसमें शासन को जो जिला प्रशासन के लेवल पर जिसपे आपदा प्रबंधन जो हो गया, इस वर्ष अगर आप देखेंगे तो नरेंद्र नगर, ऋषिकेश, डोईवाला, रायपुर, सहसपुर, कालसी, इस पूरे क्षेत्र में, पूरे ब्लॉक में बहुत ज़्यादा आपदा से नुकसान हुआ है।